एहतसाब अदालत में साफ पानी केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिमान राजा कमरुस्सलाम, वसीम अजमल और नासिर कादिर का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिमान को जेल भेज दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे मोहम्मद सकलैन जावेद से। जी मोहम्मद सकलैन जावेद, अपडेट कीजिएगा समाअत के हवाले से। जी, एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन के रूबरू साफ पानी कंपनी केस की समाअत हुई, जिसमें साबिक चेयरमैन साफ पानी कंपनी राजा कमरुल इस्लाम, साबिक सीईओ साफ पानी वसीम अजमल और नासिर कादिर को अदालत के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने मुल्जमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। अदालत ने मुल्जमान को 7 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। इंजीनियर कमरुल इस्लाम पर इल्जाम है कि उसने 84 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ठेका इंतहाई महंगे दामों दिया और मनपसंद कंपनी को नवाजा। इस हवाले से नैब की तरफ से इल्जाम है कि ये पंप 4 तहसीलों मंचनाबाद, लोधरा, हासलपुर और खानपुर में लगाए जाने थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने दुनियापुर में गैर रस्मी तौर पर 8 ये प्लांट लगा दिए थे। हालांकि ये इलाका ठेके में शामिल भी नहीं था। इसके अलावा इन्होंने केएसबी कंपनी को इंतहाई महंगे दामों ये ठेका दिया, जिससे कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। महंगे दामों ठेका दिया गया।